हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आ चुका है, लाइक यहाँ पे 5 लाख लाइक भी आ चुका है। इस वीडियो को आपको कैसे शूट करना है वो भी मैं बताऊँगा, और वीडियो को एडिट कैसे करना है। इससे पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। जो आपने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो जो है कुछ इस तरह से शूट किया गया है, तो आपको भी इस तरह से शूट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले आपका वीडियो को एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो आपको फर्स्ट वाले वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। अगर वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करना है। ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। कैचिंग निशान पर क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। लेयर पर आना है। मीडिया पर आना है। इसके बाद जो हमने सेकेंड वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो सेम उसी तरह से आपको वीडियो को एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। इसके बाद इसे हम फुल साइज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकेंड वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ सेकेंड वीडियो को किस तरह से शूट किया गया है। तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से आपको करना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो प्रॉपर एडिट हो पाएगा। सिंपल मैं यहाँ तक रहने देता हूँ। इसके बाद मैं आपको वीडियो एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद फिर से हमारा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीडिया पे आना है और एक वीडियो को फिर से हमें जो सेकेंड वाले वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर फिर से सेकेंड वीडियो सेलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद आप फिर से यहाँ पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। फिर से हमें यहाँ पर फिर से एक वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इसे हमें फुल साइज कर देते हैं। इस तरह से इसे हाफ कर देना है। आपको इस तरह से यहाँ पे सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद जो ओरिजिनल वीडियो में वॉल्यूम है उसे मैं म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया हूँ। तो इस तरह से वीडियो आपको बन जाएगा अगर एडिट आप सही तरह से करेंगे। इसमें मेन जो टॉपिक है वीडियो को आपको शूट किस प्रकार करना है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वीडियो को आपको अलग अलग पार्ट में मैंने दिखा दिया हूँ वीडियो को किस तरह से आपको शूट करना है। तो सेम आपको इस तरह से अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद बिल्कुल आसानी से वीडियो बन जाएगा। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। ऑडियो फेड आउट को ऑफ करना है और आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टिकटॉक वीडियो का साउंड मिल जाएगा, वहाँ पर आपको उसी साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलून चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।